चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेज ले लेंगे और पेज का जो साइज होगा वो हम लोग अपने हिसाब से रख लेंगे। फिलहाल तो हम A4 रख लेंगे और ये सारी चीजें जो भी है, जैसे ये 5 कर लिया, फिर इसको भी 0.5, 0.5 एंड 0.5 मार्जिन हमने अपने हिसाब से सेट कर लिया। जो रेजुलेशन है वो 300 DPI रखने देंगे, फिर ओके कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहां पर अगर आप देखें तो कुछ चीजें मैं और बता दूं, लाइक हमारे पास फाइल टैब के अंदर जो जितने भी ऑप्शन है उनको एक बार समझा दूं। जैसे देखिए तो यहां पर जो न्यू ऑप्शन है इससे क्या होगा, आप नया पेज ले सकते हैं, ओपन करके क्या कर सकते हैं कि जो पहले से बना के सेव किया हुआ है उसको खोल सकते हैं दोबारा से। रिसेंट पब्लिकेशन में आप देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में आपने कौन से डॉक्यूमेंट पे काम किया है, ठीक है। उसके बाद क्लोज करके आप बंद कर सकते हैं, और इसको बंद करने से क्या होगा कि पेज मेकर बंद नहीं होगा, केवल उसमें जो खुला हुआ पेज है वो बंद होगा और पहले की तरह ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा जैसा पहले आया हुआ था। ऐसे फिर से आपको न्यू करके पेज लेना पड़ेगा, मैं फिलहाल यही ले लेता हूँ। सेव सेव एज, रिवर्ट के बारे में बताएंगे आगे क्या होता है। रिवर्ट प्लेस करके हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर वगैरह को इंसर्ट करा सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उनको अभी रहने दीजिए। उसके बाद देखिए एडिट मेन्यू है, एडिट मेन्यू के अंदर है अंडू जो एक स्टेप पीछे जाने के काम आता है, दूसरा क्या है कट, पता है इसके बारे में, एक जगह से चीजों को कट करके दूसरी जगह ले जाता है। कॉपी है, कॉपी करने के लिए पेस्ट, अगर कोई चीज आपने कट या कॉपी की कर रखी है तो उसको पेस्ट करता है। डिलीट करने के लिए क्लियर दिया हुआ है, सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट ऑल, सबको सेलेक्ट करने के लिए, और डिसलेक्ट ऑल। इसमें जो हमें पढ़ना है आज वो है पेस्ट मल्टीपल, ठीक है। तो पेस्ट मल्टीपल पे ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे आज। पेस्ट मल्टीपल का यूज करके क्या करेंगे चलो देखते हैं। पहले हम कंट्रोल शिफ्ट पी दबाते हैं डॉक्यूमेंट की सेटअप के लिए 0.5। यहां पर क्या करेंगे हम, सबसे पहली चीज एक रेक्टेंगल बनाएंगे, किसके बराबर, पूरे पेज के बराबर। ओके, अब पूरे पेज के बराबर रेक्टेंगल बना लिया है। अब एक काम करते हैं कि जूम भी कर ही लेते हैं, क्योंकि बिना जूम किए अगर हम काम करेंगे तो उतना ज्यादा बेटर नहीं हो पाएगा। कलर बॉक्स को अभी थोड़ी देर के लिए हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो रेक्टेंगल बनाया हमने, इसको अभी से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसका जो कॉर्नर है वो राउंड हो जाए, ठीक है। तो कॉर्नर राउंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट मेनू के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा राउंड कॉर्नर, ठीक है। राउंड कॉर्नर में जाने के बाद में पहले चीज, पहले रेक्टेंगल आपका सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे ही आप कोई सा भी राउंड कॉर्नर चुनेंगे तो रेक्टेंगल का जो कॉर्नर है वो उसी तरीके से राउंड हो जाएगा। अगर इसमें आप चाहते हैं कि चारों कॉर्नर अलग अलग राउंड हो तो ऐसा इसमें अभी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। दूसरी चीज, हमें इसमें कलर डालना है, तो कलर डालने के लिए हम कलर बॉक्स से कोई सा भी कलर, लाइक ब्लैक हमने फिलहाल तो डाल दिया, और टिंट को हल्का कम कर देंगे। तो हल्का सा टिंट क्या हो गया, कम, हालांकि इतना भी कम नहीं करना, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है कि आपको एक टेक्स्ट बॉक्स उठाना है और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ नीचे बनाना, ठीक है, और पूरा नहीं, जितना बड़ा बॉक्स में एडजस्ट करना है उतना। और यहां पर लिखा होगा, कैप्स लॉक ऑन करके लिखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मतलब हम एक यहां बनाने वाले हैं। और उसके बाद में इसको क्या कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट टूल से उठाकर इस पे रखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इस पे ये चीज दिखाई नहीं देगी क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप रख सकते हैं, अभी कोई इशू नहीं है, यहां पर आप रख दीजिए। रखने के बाद क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टूल लीजिए, बीच में क्लिक करिए और कंट्रोल ए करेंगे तो अपने आप वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद में क्या कर सकते हैं आप, इसको पेपर कलर दे दीजिए ताकि व्हाइट हो जाए। अब व्हाइट होने के बाद ये क्या होगा कि दिखेगा नहीं, तो कोई नहीं, सेलेक्ट टूल से थोड़ा सा ऊपर नीचे इसको करिए, ये शो होने लगेगा, ठीक है। एरो बटन से हम थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करते हैं। अब इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा ही चौड़ा लग रहा है, तो इसको पतला कर दीजिए हल्का। अभी ये परफेक्ट बन गया है, पूरे पेज के बराबर, ठीक है। तो पूरे पेज के बराबर ये परफेक्ट बन चुका है। ऊपर लोगो लगाना है तो वो तो हम फोटो भी ले आकर लगा सकते हैं, प्लेस याद है, तो फोटो हम लोग लाकर यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखो दोनों को अगर ग्रुप करना होगा तो क्या करेंगे,
ऐसे बाहर से सेलेक्ट करेंगे, दोनों सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल जी दबाएंगे तो ग्रुप हो जाएगा, नहीं तो एलिमेंट में जाएंगे और यहां पर ग्रुप पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ग्रुप पे क्लिक करेंगे ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अभी ग्रुप हो गया, अब नीचे ले जाना होगा तो एक ही साथ इसको नीचे खसका सकते हैं, बाद में हम लोग लोगो लगा लेंगे, लेकिन फिलहाल क्या करते हैं कि ऊपर एक फोटो के लिए बॉक्स दिया हुआ है, मार्जिन से थोड़ा बाहर भी जा सकते हैं और नहीं तो आप मार्जिन के अंदर ही रहिए। ओके, अभी छोटा बड़ा करना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट। ठीक है, बाकी जगह में हम लोग क्या करेंगे, लोगो यूज कर लेंगे। अब देखो ये चीज तो हो गई, ये हमने जो बनाना था वो बना लिया, जहां रखना था रख लिया। ऐसे ही जूम बिना किए अगर आप काम करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे और फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे तो फिर पेज जल्दी भर जाएगा बिना कंप्लीट हुए। अभी आप देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट साइज मैंने कितना रखा है, क्लिक करके देख लीजिए, फॉन्ट साइज 21 है। ओके, दूसरा अब हम क्या करेंगे, फिर से हम लेते हैं एक रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल लेने के बाद में हम थोड़ा सा अंदर यहां पर बनाते हैं इसको। ये कहां तक है, ये टोटल बना हुआ है एम तक, फॉर्म तक, चलिए यहां तक बना हुआ है, इसको हमने बना लिया। बनाने के बाद में इसका कॉर्नर राउंड करना होगा, तो कैसे करेंगे, एलिमेंट और वहां पे मिलेगा आपको राउंड कॉर्नर, यहां पर जाकर आप कोई सा भी ले लीजिए, अगर ज्यादा राउंड करना है तो लास्ट वाला लीजिएगा, कम राउंड करना है तो इसमें से कोई ले लीजिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, सेलेक्ट नहीं था ये, तो अभी हम चलते हैं राउंड कॉर्नर पे एंड देन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर भी कलर डालना है, ब्लैक ही डाल दीजिएगा और इसका टिंट जो है कम कर दीजिएगा, लगभग कितना, 40-50 के आसपास, और लाइन का भी कलर, अच्छा लाइन का कलर फिलहाल के लिए तो नो कर देते हैं। तो ये बन गया ये भी। अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, देन उसके बाद सर्कल उठाइए एंड सर्कल को यहां बना दीजिए गोल, ऐसे ज्यादा बड़ा भी नहीं, बराबर जितना बड़ा है बॉक्स उसी के आसपास बनाइए। देखिए अभी भी ये बड़ा ही है। ठीक है, कोई ना, अभी से हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके छोटा कर देंगे। देन उसके बाद बोथ कलर, दोनों कलर को हम क्या कर देंगे इसका ब्लैक। समझ में आया। अब इसके बाद में यहां से टेक्स्ट टूल उठाइए, टेक्स्ट टूल उठाने के बाद में पहले इधर टेक्स्ट लिखिए छोटा सा 1 डॉट। ठीक है, सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कंट्रोल शिफ्ट बी ताकि थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, और इसी समय क्या कर दीजिए कलर में, कौन सा कलर, पेपर, बट ये दिखेगा नहीं, कारण है कि व्हाइट पे व्हाइट है, तो यहां पे जाके क्लिक करिए, देखिए बॉक्स आ गया, उठा के बस इसको इसकी जगह पे सेट कर दीजिए। ओके, देन ये भी हो गया। अब एक बार और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और कोशिश करिएगा कि जितना दूर में लिखना है उतना ही बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बनाए, ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, जितना दूर लिखना है उतना ही दूर का टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। देन उसके बाद में हम इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स नेम, तो हम यहां पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, कॉलन भी है तो कॉलन भी दे ही दीजिए। अब क्या करना है, हमें इसे उठाकर जहां पर इसकी जगह है वहां पर रख देते हैं। अब इसका साइज क्या होगा, 12। अगर हम देखें ये स्टूडेंट नेम जो लिखा हुआ है इसका साइज क्या है, 12 है, नीचे आप देख सकते हैं थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 13, बस ज्यादा नहीं। ओके, इसके अलावा ये हो गया हमारा बॉक्स, को हम लोग क्या रखेंगे, छोटा ही रखेंगे, हो गया ना। फिर से इसको भी ऐसे बाहर से क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सब सेलेक्ट हो गया है, कंट्रोल जी से क्या कर दें, ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने से फायदा ये होगा कि आप इसको इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं एक बार। अब आता है मेन पॉइंट, जहां पर हम लोगों को बॉक्स बनाना है, और बॉक्स बनाना है किस लिए, नाम को भरने के लिए, जैसा कि इस फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बॉक्स बनाने के लिए पहले तो आप रेक्टेंगल उठाएंगे। अच्छा, रेक्टेंगल गोल आ रहा है ना, गोल आ रहा है क्योंकि हमने शुरू में ही राउंड कॉर्नर कर दिया था बिना किसी चीज को सेलेक्ट किए हुए, तो राउंड कॉर्नर में जाइए और यहां पर ये चुन लीजिए। ठीक है, अच्छा वो भी नहीं है तो आप रेक्टेंगल पे डबल क्लिक कर सकते हैं, राउंड कॉर्नर के लिए रेक्टेंगल पे क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक, वो आ जाएगा। चलिए, तो ये हमने एकदम सॉलिड वाला जो कॉर्नर है वो ले लिया, पहला वाला ओके किया।
अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो जहां खत्म है वहां से बना हुआ है, ठीक है। तो एक छोटा सा बॉक्स यहां पर बना लीजिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा। यहां पर अगर देखा जाए तो कितना दिख रहा है, 383। अगर इसकी विड्थ की बात की जाए तो कितनी विड्थ है इसकी, 383, और हाइट कितनी है, 351। क्यों ना हम इसको 0.35 क्या कर दे, विड्थ, और हाइट भी क्या कर दे, 0.35। तो हाइट विड्थ बराबर हो गई, हाइट और विड्थ बराबर कर दिया। अब देखिए, अब ये एक बन गया है। आप चाहे तो अभी से इसका एलिमेंट के अंदर जाकर स्ट्रोक वगैरह कम कर सकते हैं, 1 PT से हेयर लाइन कर दीजिए, थोड़ा और पतला हो जाएगा। अब यहां से तरीका समझिएगा क्या करना है आपको, कॉपी कर लेना इसको, क्योंकि किसी भी चीज का डुप्लीकेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से। अब अगर एक बार पेस्ट करते हैं तो एक ही पेस्ट होगा, और ऐसे ऐसे 20 पेस्ट करने हैं। इस लाइन में पूरे कितने हैं, 20, 20 या 25 होंगे, फिलहाल हम 20 मान के चलते हैं। 20 यहां पर आपको क्या करना है, पेस्ट 20 टाइम्स। तो हम यूज करेंगे यहां पर पेस्ट मल्टीपल का, ठीक है। क्या यूज करेंगे, कॉपी करने के बाद क्या यूज करेंगे, पेस्ट मल्टीपल। जब हम पेस्ट मल्टीपल पे जाएंगे तो पूछेगा पेस्ट कितनी टाइम्स, कितनी कॉपीज पेस्ट करनी है, तो हमें 20 कॉपीज करनी है। ये दो चीज पे बहुत ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट और वर्टिकल ऑफसेट। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली कितना दूर वो विस्थापित होगा, मतलब आगे बढ़ेगा। तो चूंकि हमें पता है कि इस बॉक्स की विड्थ कितनी है, 0.35, तो हॉरिजॉन्टल यानी कि राइट साइड में जो है वो कितना जाना चाहिए, 0.35 आगे बढ़ना चाहिए। और वर्टिकल ऑफसेट यानी कि नीचे की तरफ कितना जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए क्या, नहीं जाना चाहिए, तो 0 रखेंगे, ठीक है। चूंकि हम राइट साइड में केवल ले जाना चाहते हैं इसलिए हॉरिजॉन्टल ऑफसेट कितना दिया, 0.35। और ये 0.35 ही क्यों दिया, क्योंकि हमारा जो बॉक्स है उसकी विड्थ कितनी है, 0.35 ही है, ठीक है, इसीलिए दिया। तो जैसे ही हम इसको ओके करेंगे ये 20 टाइम्स क्या करेगा, पेस्ट कर देगा। अभी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि आगे बढ़ गया होगा, कोई इशू नहीं है। आप क्या करें, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे, एंड देन ग्रुप करने के बाद में क्या करेंगे, इसको हल्का सा छोटा कर लेंगे, क्लियर। तो जितना चाहिए उतना बन गया। अब देखिए, चूंकि हम ग्रुप तो कर चुके हैं तो क्यों ना इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके कॉपी करके नीचे लगा दें। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि कोई बॉक्स हो सकता है आगे लग जाए, कोई बॉक्स हो सकता है पीछे लग जाए। अभी इसके साथ आप देखिए, अगर हम क्या करते हैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं और लाके लगाते हैं, तो अंदाज पे हम कितना भी लगाए वो सही नहीं होगा। तो उसके लिए हम रूलर को पकड़ के ला सकते हैं, रूलर यहां दिख रहे हैं साइड में, इस रूलर को पकड़ के यहां पर लाके सेट कर सकते हैं कि यहां तक चाहिए। अब देखिए, रूलर इसको ग्रिड लाइंस बोलते हैं, गाइडलाइन। तो यहां पे हमने गाइडलाइन एक सेट कर दी जिसके सहारे हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। फिर एक टेबल के लिए भी लाते हैं, एक गाइडलाइन लाकर हमने किस पे लगा दिया, सॉरी ये बॉक्सेस के लिए आपको आता है, ठीक है। और यहां पर हमने इसको सेट कर दिया, डेट्स व्हाट गाइडलाइन, ठीक है। तो दो हो गया। अब इसके बाद में अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं इसका, चाहे नीचे वाले का किसी का भी, कॉपी किया पेस्ट किया और लगाना होगा, तो इस बार बस ये गाइडलाइन है ना हमारे पास, हम उसमें सटा के रख देंगे, और इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर वही, हाँ, हॉरिजॉन्टली आपको देखना पड़ेगा कि कितना गैप रख रहे हैं बीच में, वो चीज। आप देखिए, टेक्स्ट बॉक्स उठाइए और इस पे नंबर पहले चेंज करिए, 1 की जगह 2 लिखिए, देन उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट नेम की जगह क्या लिखा हुआ है, फादर्स नेम लिखा हुआ है, तो यहां पर चेंज कर दीजिए, और इसमें मदर्स नेम लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार से आगे जितना भी चीज दिया हुआ है बन जाएगा। अब अगर आप कंट्रोल 0 करते हैं तो आप देखेंगे कि अभी पूरा पेज भी नहीं भरा है और आपने बहुत चीजें बना ली होंगी, ठीक है। हालांकि अभी हाइट और कम होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। चलिए, तो बैठिए और बनाइए, दो टॉपिक है।